और भी मुश्किल कर दिया भाई। अब मैं कैसे बनाऊं रेसिपी, अब क्या होगा। देखो मेरे कबाब कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सपना की प्यारी दुनिया में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है गाइस। चलिए फिर आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज फिर बहुत गर्मी हो गई, कल बारिश हुई तभी थोड़ा ठंड आया, बाकी आज फिर धूप निकल आई। बहुत ज़्यादा गर्मी है, काम करना घर का बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं जा रही हूँ यश को स्कूल छोड़ने, बस रिक्शा मिल जाए तो मज़ा आ जाए, टाइम से मिल जाता तो खुश हो जाते हैं हम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस स्कूल छोड़ दिया मैंने यश को, और कुछ चीज़ भी ले ली है जो स्पेशल है, मतलब आज कुछ रेसिपी बनाऊंगी वो घर जाके दिखाऊंगी क्या लिया है। चुकी हूँ घर, बहुत ही गर्मी लग रही है, तो सबसे पहले आते हैं किचन में और पीते हैं पानी, इसके बाद बताती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ और क्या बनाऊंगी। चलो, तो फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ चिकन का कीमा। क्या था, मैंने सुबह से तो नहीं सोचा था कि मैं क्या बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी रेसिपी। मुझे वापस आते टाइम रिक्शा नहीं मिला तो मैं पैदल आई, तो पैदल आते टाइम रास्ते में ही चिकन की दुकान पड़ती है, तो मैंने सोचा कीमा बनवा लेती हूँ और कबाब बनाती हूँ। तो आज बनाऊंगी चिकन कबाब, फिर 2 दिन के बाद सावन लगने वाले हैं तो फिर खा नहीं पाना है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ खास बना देती हूँ ताकि उन्हें पसंद भी आए, और पसंद आते हैं, और अभी तक मैंने ये रेसिपी डाली ही नहीं है। तो चलो ट्राई करते हैं, आज न्यू रेसिपी डालते हैं, आप लोगों की पसंद आएगी तो बने रहना एंड तक, मैं किस तरीके से बनाती हूँ और कैसे बनते हैं। तो ये देखो गाइस, भैया के पास मशीन भी नहीं थी, उन्होंने मेरे लिए किस तरीके से बना दिया। चलो कम से कम बना दिया भैया ने, और इसे ना मैं धो लेती हूँ। वैसे भैया चिकन ना धोते हैं, पर एक बार अच्छे से इन्हें धो लेती हूँ। तो चिकन मैंने धो लिया है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो गाइस ये मैंने इतनी सी कलियाँ ली हैं लहसुन की, और ये लिया है अदरक। अदरक मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, बच्चों को कम पसंद है तो मैंने कम लिया है, और ये प्याज। तो इन सारी चीज़ों को पीस लेती हूँ, बना लेती हूँ पेस्ट। गाइस ये देखो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट मेरा रेडी है, और भी सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली। ये बारीक कटी हुई मिर्ची, प्याज और हरी धनिया, और जो मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पहले तो सबसे पहले ये डाल देती हूँ पेस्ट। मैं सारे मिक्स मसाले मतलब रखती हूँ, तो 1 चम्मच ये डाल देती हूँ सारे मिक्स मसाले, गरम मसाला है, लाल मिर्ची और धनिया, हल्दी सब कुछ है, पर हल्दी थोड़ी सी अलग से मैं ऐड करूँगी। तो हल्दी डाल देती हूँ, और इसमें डाल देती हूँ चिकन मसाला, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आने वाला है ये। और ये अलग से डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची, तो ये बाकी जो कटे हुए मेरे प्याज धनिया रखे थे ये भी मैंने ऐड कर दी इसी में। और इसमें डाल देती हूँ मैं नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मशीन का कीमा नहीं है, उन्होंने तो चाकू से बना दिया, तो उसके लिए मतलब इकट्ठा अच्छे से बन जाए तो मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच बेसन, और सारी चीज़ें मेरे पड़ चुकी हैं इसमें, तो चलो मिक्स कर लेते हैं इसे। और इस चीज़ में अभी एक चीज़ मिसिंग है, मतलब अंडा, अंडा डाल देती हूँ लास्ट। तो एक अंडा गाइस मैंने इसमें फोड़ के डाल दिया है, अब एक हाथ से मतलब फोड़ती एक हाथ से मैं बनाती, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, पर आपको दिख रहा होगा कि अंडा पड़ा हुआ है इसमें। तो चलो इससे क्या होगा कि बनाने में मुझे आसानी होगी, मतलब इस तरीके के ना इकट्ठे हो जाएगा। तो चलो इसको ना मैं रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, इसमें अच्छे से मतलब चिकन में मसाले नमक अच्छे से पहुँच जाएगा। तो 5 मिनट में हवा ले लेती हूँ, ये देखो पूरे पसीने से नहा गई हूँ, वैसे अभी नहाना है मुझे, काम और भी करना है। ये देखो बेड किस तरीके का पड़ा हुआ है, और गाइस बात करते करते लाइट ही चली गई। लो तो जैसे ही मैं मतलब वो लेने आई हवा, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, और मैं गेट भी बंद कर रखी हूँ। अब बताओ, और भी मुश्किल कर दिया भाई, अब मैं कैसे बनाऊँ रेसिपी, अब क्या होगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। देखो अभी आपको पता चल रहा है क्या चीज़ कहाँ पे रखी है, ये देखो इतना अंधेरा है, अब बताओ मैं कैसे बनाऊँ। चलो बाहर देखते हैं, कुछ ख़राब तो नहीं है, लाइट वाले हों, हवा लेते हैं बाहरी। तो जैसे ही मैं बाहर आई, ये देखो लाइट वालों का रिक्शा खड़ा हुआ है, उसमें सामान रखा है, और भैया आराम से यहाँ पे लेटे हैं, कह रहे हैं अभी और भी बंदे आएंगे तब हम ठीक करेंगे। मैंने पूछा कब तक आएगी लाइट, तो वो कह रहे हैं टाइम लगेगा। वो अब पता नहीं कितनी देर लगेगी, वो तो आराम से अभी लेटे हैं, अभी तो उन्होंने शुरू नहीं किया है, पता नहीं कितने देर में सुधारेंगे, अब मैं कब रेसिपी बनाऊंगी।
A few moments later. Oh guys, light आ गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बहुत खुश हो गई, मेरे बनाने से पहले आ गई, मतलब 20 मिनट लगे और आ गई। ओ भैया कह रहे थे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं और भी ज्यादा डर गई थी कि मैं कैसे बनाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी देर के लिए चेक कर रही हूँ फिर कट कर दे, तो फटाफट से बना लेती हूँ, यही मौका है। तो गाइस मैंने तवा रख दिया और इसमें डाल देती हूँ मैं सरसों का तेल, और इसे ना अच्छे से गर्म होने देती हूँ। और मैं हमेशा चिकन नॉनवेज, वैसे भी हम लोग ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मी तो अभी भी मुझे लग रही है क्योंकि मैं कूलर पंखा सब बंद कर रखी हूँ, अगर वो चालू कर दूंगी तो वीडियो में बोल नहीं पाऊंगी, तो गर्मी तो अभी मुझे सहना है जब तक ये बंद नहीं जाता। तो देखो मेरे पास नॉन स्टिक तवा तो नहीं है, मैं इसी से ही काम चलाऊंगी और बनाऊंगी। तो देखो मैं पहले उधर नहीं कर रही हूँ, यहीं पर ही मैं साइज इसका बना दूंगी आराम से, मैं बहुत ही केयरफुल कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग नीचे बना लो सबसे अच्छा, पर मैं बहुत ध्यान से कर रही हूँ। तो चलो भैया पलट जाओ, कैसे दिख रहे हो? अरे 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 वाह, आप तो बहुत ही प्यारे बने हो। तो कबाब मेरे देखो कितने प्यारे रेडी हो गए हैं, तो इनको ना निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। तो मैं इसी तरीके से सारे निकाल लेती हूँ। तो मैं इस बार ना चम्मच से कर रही हूँ, पर पता है चम्मच से ज्यादा मुझे हाथ से अच्छे से बन रहा था सच्ची में। पहले मैं एक हाथ से फोन पकड़ के पलट रही थी तो पलट ही नहीं रहे थे, और मैंने एक हाथ से तवा पकड़ा और एक हाथ से पलटा, फटाफट पलट गए। थोड़ा सा वीडियो साथ साथ बना रही हूँ मैं, इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर मैं बनाऊंगी। A few moments later. तो गाइस मेरे कबाब हो गए हैं रेडी, बहुत अच्छी खुशबू मार रही है, तो बिना देर किए चलो टेस्ट करके बता देती हूँ। एहे, रहा नहीं जाता। देखो मेरे कबाब कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं और बहुत ही यम्मी दिख रहे हैं, और सच्ची में खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। टेस्ट करके बता देती हूँ कैसे बने हैं मेरे कबाब। तो कबाब बहुत ही टेस्टी बने हैं, तो अभी सभी लोग बारी बारी से आते जाएंगे और खाते जाएंगे। आप भी अगर बनाना चाहते हो तो पूरी रेसिपी आपको दिखा दी, आप लोग भी बनाइए। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।